नमस्कार मैं प्रिया, आज है 5 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटरव्यू में जाने से पहले ना भूले ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स। बिहार में खाद्य संकट को लेकर 10 दिसंबर को सड़क पर उतरेगी जन अधिकार पार्टी। आज पूर्वी बिहार के कुछ हिस्से में हल्की बारिश की है संभावना। बिहार में नहीं होगी खाद की कमी। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कर्मियों को किया जा रहा है प्रशिक्षण। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कर्मियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद से ही बिहार में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि पूर्व मध्य रेल की तरफ से वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए रेलवे अस्पतालों में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान रेलवे अस्पतालों में 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। कोविड 19 के मरीजों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे चिकित्सालयों में मेडिकल स्टाफ को नए वेरिएंट के अद्यतन जानकारी से अपडेट कराते हुए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि पूर्व मध्य रेल के दानापुर, सोनपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम कर रहा है। सूबे के 12,000 से ज्यादा लोगों को मिली पक्के मकान की चाबी। सूबे में बीते दिन एक साथ 12,352 गरीबों के लिए पक्के मकान का सपना सच हो गया और इन सभी को उनके नए नवेले पक्के मकान की चाबी सौंपी गई। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लाभुकों को उनके जिलों में ही घर मिले हैं। इस दौरान सीएम नीतीश खुद से ही कुछ लाभुकों को पीएम आवास योजना से बने मकान की चाबी सौंपते हुए नजर आए। बताते ये भी चले कि पटना के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने नगर विकास और आवास विभाग के नई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। ये योजनाएं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जुड़ी हैं। आज पूर्वी बिहार के कुछ हिस्से में हल्की बारिश की है संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठे जवाद तूफान का कुछ असर आज अपने राज्य बिहार में भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से राज्य के पूर्वी हिस्से में बसे जिलों के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाएं बहने की भी संभावना है। आईएमडी के द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक तूफान को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि राज्य में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा बहने के कारण रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि आज से लेकर आने वाले 2 दिनों तक तूफान के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कारण पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनें रद्द। चक्रवात तूफान जवाद के कारण पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशन पर ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जवाद का उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से पश्चिम मध्य बंगाल के रास्ते होते हुए बिहार पहुंचने की उम्मीद है, जिसके तहत जहां बीते दिन पुरी से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 08439 पुरी पटना एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहा, वहीं आज पटना से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 08440 पटना पुरी एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। इसी के साथ 6 दिसंबर यानी कि सोमवार को नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12802 नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से पूर्वी बिहार में बारिश होने की संभावना है। इंटरव्यू में जाने से पहले ना भूले ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर के पद पर भर्ती के लिए हाल ही में इंटरव्यू स्केड्यूल को जारी किया था, जिसके बाद उम्मीदवार स्केड्यूल आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विषयों के लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले हैं, जो कि 16 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। वहीं इस इंटरव्यू को लेकर बीते दिन अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत इंटरव्यू के दिन उम्मीदवार अपने साथ बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय में न्यूनतम 3 साल से कार्यरत होने का जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र, ओरिजिनल और उनकी 2 फोटोकॉपी लेकर जरूर जाएं। इसी के साथ इंटरव्यू के दिन उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स के साथ पहचान पत्र भी लाना होगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार का जन्म आज ही के दिन यानी कि 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया हस्ती है। वो एनडीटीवी इंडिया के प्रबंध संपादक है, एनडीटीवी समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल और चैनल के प्रमुख सप्ताह के दिनों के शो प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट सहित कई कार्यक्रम की मेजबानी करते हैं। उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए पत्रकारिता पुरस्कार और 2019 में रेमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बने थे। वो द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक भी हैं। बिहार के
बिहार जिले के विष्णुपद मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, ऐसे में आज हम आपको गया जिले के विष्णुपद मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर किया गया है। यह मंदिर 30 मीटर ऊंचा है, जिसमें 8 खंभे हैं। इन खंभों पर चांदी की परतें चढ़ाई हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पांव के निशान भी है। इस मंदिर का 1787 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने नवीनीकरण करवाया था। पितृपक्ष के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। बिहार में खाद्य संकट को लेकर 10 दिसंबर को सड़क पर उतरेगी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के कांग्रेस में विलय की खबरों के बीच बीते दिन पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में खाद्य संकट को लेकर कहा है कि विधानसभा के 5 दिन के शीतकालीन सत्र में सिर्फ खाली बोतल, शराब और हंगामा और गाली गलौज हुआ, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। ये बिहारवासियों के साथ धोखा है। बिहार में वर्तमान समय में बिहार को 62 लाख टन खाद की जरूरत है, लेकिन मात्र 24 लाख टन उपलब्ध है। बिहार को 10 लाख टन यूरिया और 10 लाख डीएपी की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 7 लाख टन यूरिया और डीएपी ही बिहार को उपलब्ध करवा पाई है। इस कारण बिहार में खेती संकट में है। आज किसानों को एमएसपी की जरूरत है, जिसके बाद जन अधिकार पार्टी 10 दिसंबर से खाद्य संकट को लेकर सड़कों पर आंदोलन करेगी। 20,000 करोड़ खर्च करके बिहार का विकास करेगी सरकार। बिहार के विकास योजनाओं के लिए सरकार अनुपूरक बजट से राशि खर्च करेगी, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को बिना रुकावट के जारी रखने में काम आएगी। इस बजट में खासकर की वर्तमान के माहौल को देखते हुए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। बताते चले कि बिहार विनियोग विधेयक 2021 से अनुपूरक बजट के जरिए कुल 20,531,82,72,000 रूपये की राशि समेकित निधि से विनियोजित होगी। इसके जरिए ही बिहार के विकास योजनाओं को निर्बाध गति से चलाया जाना है। बताते चले कि इस राशि का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी किया जाएगा, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एमडीएम योजना, पीएम आवास योजना आदि शामिल है। बिहार में नहीं होगी खाद की कमी। राज्य में रबी फसल की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें उर्वरक की किल्लत झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ किया है कि उर्वरक की किल्लत जल्द ही खत्म होने वाली है। आज कई जिलों में आवश्यकता के हिसाब से फास्फोरस युक्त खाद डीएपी पहुंच जाने वाली है। इसकी रेक आनी शुरू हो गई है। इसके बारे में मंत्री ने कहा है कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन डीएपी की कमी चल रही है, जो कि अब धीरे धीरे दूर हो जाने वाली है, क्योंकि इसी कमी को लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री को 1 लाख टन डीएपी उपलब्ध करवाने की मांग की गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जल्द ही इसकी खेप पहुंचाने की बात कही है। मुजफ्फरपुर घटना की अब राजद करेगी जांच। मुजफ्फरपुर में हाल ही में आई हॉस्पिटल की करतूत सामने आई थी, जिसके कारण 60 से ज्यादा लोगों की आंख चली गई है, साथ ही 15 से ज्यादा लोगों की आंख तक निकालनी पड़ चुकी है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी जांच बिहार सरकार तो कर ही रही है। अब राजद ने भी इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके तहत राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने मुजफ्फरपुर की घटना की जांच के लिए पार्टी की कमेटी बनाई है। कमेटी आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी जाने की घटना की जांच करेगी, साथ ही विधायक राजवंशी महतो को कमेटी का संयोजक भी बनाया गया है। बिहार में अब डीसीएलआर देगा म्यूटेशन से जुड़ी सारी जानकारी। डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार स्मारता को अब म्यूटेशन की अर्जी को किस धारा के तहत रद्द किया गया है या मंजूर कर रैयत के पक्ष में आदेश अगर दिया गया है, तो यह सब अब लिखित में बताना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही यह भी बताया है कि अस्पष्ट आदेश के कारण रैयतों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो इसे डीसीएलआर के जरिए लागू कराए। ज्ञात हो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी कि डीसीएलआर म्यूटेशन को किसी अर्जी को स्वीकृत या रद्द कर देते हैं, मगर आदेश में दाखिल खारिज अधिनियम की धाराओं का जिक्र नहीं रहता है। इसके चलते अधिसंख्य मामलों में विवाद सलटने के बदले बढ़ ही जाता है। स्मार्ट सिटी के कछुआ चाल से सीएम नीतीश हुए नाराज। बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कई योजनाएं चरणवार तरीके से स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया में है, मगर खुद राजधानी पटना में ही अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण परियोजना का काम धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। दरअसल बीते दिन स्मार्ट सिटी पटना के अंतर्गत 4 योजनाओं का उद्घाटन करने के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम भी तेजी से कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल नाम स्मार्ट सिटी नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो स्मार्ट होना भी चाहिए। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये हिदायत दी है कि काम तेजी से करें। बिहार में भाजपा है नेताविहीन। बिहार में भले ही भाजपा विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन भाजपा के नेता ही अपनी पार्टी को नेताविहीन मान रहे हैं। कम से कम भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का तो यही कहना है। बीते दिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने बयान में साफ कहा है कि भाजपा फिलहाल नेताविहीन है। मौजूदा समय में बिहार भाजपा में जो भी शीर्ष के नेता हैं, उन सब की नेतृत्व क्षमता पर ज्ञानू ने सवाल उठा दिया है। बीते दिन एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा में
ही नेता हैं, एक तो कैलाशपति मिश्र और दूसरे सुशील मोदी। कैलाशपति मिश्र दिवंगत हो चुके हैं तो सुशील मोदी को बिहार से दिल्ली भेजकर मानो उन्हें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। भाजपा के जीवेश मिश्रा, संजय सारंगी समेत अन्य के साथ हुए वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो भी हुआ उसका मूल कारण बिहार में भाजपा का नेतृत्व विहीन होना है। सदानंद सिंह के बेटे सारी को लेंगे सदस्यता। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर सदानंद सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे तो अपने जीते जी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन जब आखिरी सांस ली तो कांग्रेस नेतृत्व में से किसी ने भी पलट कर एक बार भी उनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की थी, जिससे सदानंद सिंह का परिवार काफी ज्यादा आहत हुआ था। हालांकि उस वक्त सीएम नीतीश मसीहा बनकर जरूर सदानंद जी के आखिरी दिनों में उनके साथ थे, जिसके बाद से सीएम नीतीश और उनके परिवार की नजदीकियां बढ़ गई थी। हालांकि अब यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह के बेटे जदयू में शामिल होने वाले हैं। अब जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद सिंह 12 दिसंबर को जदयू में जा सकते हैं। लालू यादव जातीय जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन। जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत ज्यादा ही गरमाया हुआ है, जिसके तहत विपक्ष लगातार बिहार में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। इसी बीच अब राजद सुप्रीमो ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गरीबों का कायाकल्प होने वाला है, अनुसूचित जनजाति और जाति की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में उनको जॉब देना पड़ेगा। इसकी गहराई को वो समझते हैं, इसलिए जनगणना नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन करके भी इसे लागू करवा कर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, बिहार को मिला भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा दो हाईवे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बिहार की दो हाईवे को शामिल किया गया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट में बिहार की दो हाईवे NH 139 और NH 727 को शामिल किया गया है, जो कि पटना एम्स से लेकर बेतिया को जोड़ने वाली है। नेशनल हाईवे 139W के नाम से जानी जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार को दो नेशनल हाईवे सौगात में दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और लिखा कि दीघा से शीतलपुर के बीच पुल बनेगा, गंगा पर 5 किलोमीटर लंबे का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने इसकी भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने 1657 में खुद को बादशाह घोषित किया। भारत में 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। सिक्किम 1950 में भारत का संरक्षित राज्य बना। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारतीय सुंदरी युक्ता मुखी 1999 में मिस वर्ल्ड आज के दिन चुनी गई। कांग्रेस ने 2008 में अशोक चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। भारत के क्रांतिकारियों में से एक एचसी दासप्पा का 1894 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय लेखक अरविंदो घोष का 1950 में निधन आज के दिन हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सलारिया का 1961 में निधन आज के दिन हुआ था। पटना की शामें अब और भी होंगी खुशनुमा। राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक अच्छी सौगात मिली है, जो यहां रहने वालों की शामें खुशनुमा बनाएगी। दरअसल स्मार्ट सिटी की बहुप्रतीक्षित योजना में शामिल अदालतगंज तालाब के पुनर्विकास का काम पूरा हो गया है। जल्द ही इसे पटनावासियों को समर्पित किया जाएगा। बताते चले कि वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यहां लोग संगीत की धुन पर फव्वारों का नजारा देख पाएंगे। साथ ही बोटिंग के लिए 5 बोट उतारा जाएगा। यहां मौजूद ओपन एयर थिएटर में छोटे मोटे कार्यक्रम, नाटक आदि प्रदर्शित किए जाएंगे। अदालतगंज तालाब परिसर को अभी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के लिए खोला जाएगा। फिलहाल यहां प्रवेश निःशुल्क रखा गया। ये जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,630 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,860 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,600 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.63 रुपए प्रति लीटर थे। वालों के लिए बनेंगे बहुमंजिला इमारत। राज्य के शहरी क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रहने और सोने पर विवश हैं। ऐसे लोगों को बिहार सरकार चिन्हित करके बहुमंजिला बिल्डिंग में बसाएगी। इसके तहत शहरी क्षेत्र में फुटपाथ और पुल के नीचे रह रहे आश्रय विहीन लोगों को सरकार चिन्हित कर रही है, जिसके बाद जमीन खरीद कर उस पर बहुमंजिला इमारत बनाया जाएगा, जिसके रखरखाव और सुविधाओं का काम सरकार की तरफ से होगा। ये बातें बीते दिन मुख्यमंत्री ने पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में कही है। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम भी तेजी से कराए। भारत ने कीवी टीम को धकेला बैकफुट पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया, जिसके बाद भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 69 रनों की शानदार पारी खेली।
भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा 29 और मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने पहली पारी के आधार पर कीवी टीम पर 332 रनों की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत के गेंदबाजों ने कीवी टीम को पहली पारी में 62 रनों पर ही समेट दिया। भारत की तरफ से आर अश्विन ने सर्वाधिक 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत की पहली पारी 325 रनों पर सिमटी। न्यूजीलैंड की तरफ से कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास रचते हुए भारतीय पारी के सभी 10 विकेट झटक लिए। एजाज टेस्ट की एक पारी के सभी 10 विकेट झटकने वाले मात्र 30 स्पिनर। अब व्हाट्सएप से बुक कर सकेंगे उबर कैब। अगर आप अक्सर कैब में सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब भारत में उबर ग्राहक जल्द ही व्हाट्सएप से कैब बुक कर सकेंगे। कंपनी ने इसको लेकर घोषणा जारी कर दी है। उबर ने इस बाबत कहा है कि मेटा के स्वामित्व वाले बेहद लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के साथ कंपनी का इंटीग्रेशन वैश्विक स्तर पर होगा। इसको लेकर उबर ने कहा है कि उबर और व्हाट्सएप ने आज भारत में एक साझेदारी की घोषणा की है, जिससे लोग उबर के आधिकारिक व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से उबर राइड बुक कर सकते हैं। यह उबर राइड को व्हाट्सएप मैसेज भेजने जितना आसान बना देगा। शुरुआती तौर पर इस सुविधा को फिलहाल लखनऊ में शुरू किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि इसे जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के वकील से पटना हाईकोर्ट है खफा। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता पर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल कोर्ट ने पहले पारित किए गए एक अदालती आदेश के संबंध में उक्त अधिवक्ता से सवाल किया था, लेकिन अधिवक्ता के द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता के खंडपीठ ने अब राज्य सरकार से किसी जिम्मेदार अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके तहत कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को वैसे अधिकारियों को अगली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है जो उप सचिव से नीचे के रैंक का हो। यह मामला बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 14 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को पे स्केल दिए जाने से जुड़ा हुआ है। मामले में अगले महीने सुनवाई होनी है। नए वेरिएंट का फैलाव हुआ तो पटना में होगी ऑक्सीजन की किल्लत। देशभर में अब तक 3 पेशेंट ऐसे मिले हैं जिन्हें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने संक्रमित किया है। ऐसे में इसके संक्रमण को लेकर सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। हालांकि बिहार की राजधानी में व्यवस्था पूरी पक्की नहीं दिख रही है। जानकारी के मुताबिक आईजीआईएमएस पीएमसीएच और एनएमसीएच को छोड़ दिया जाए तो सर्जेंसी क्षेत्र में आने वाली 11 में से 10 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह तैयार नहीं है। वहीं पटना के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से अस्पताल पीएमसीएच के क्रायोजेनिक और पीएसए दोनों ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं कई जिलों में भी अब तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में टेक्नीशियन की व्यवस्था नहीं होने की खबर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है निशु कुमारी, शंकर मुखिया, गोपाल कुमार, मनीष मोहरा, विवेक कुमार, पंकज कुमार दास, जफर नोमानी, दिव्यांशु कुमारी, रमाकांत कुमार, यादव दिनेश, राजीव कुमार, रविन्द्र पासवान, राजेश कुमार, शहनशाह भाई, सदर आलम, रवि कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मुकाबले में मौजूदा हालात को देखते हुए किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।